हम सामने आ रही है कि जब रेखा HP से यह दूरी पर और समांतर है, यानी कि HP के समांतर है और VP के लंबवत है और HP से यह दूरी है। इतना समझिए, जब रेखा जो है HP के समांतर है, HP के समांतर और VP के लंबवत है और HP से एक दूरी पर है, यह कंडीशन हो रहा है। इस कंडीशन के लिए हमें यहां समझना होगा पहले कि यह कंडीशन जो हो रहा है हमारा, पहले समझ लीजिए कि HP के समांतर हो जाए और VP के लंबवत हो जाए, VP के लंबवत हो गया, यह कंडीशन हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है HP से एक दूरी पे, HP से एक दूरी पे, HP से एक दूरी पे, HP से एक दूरी पे हमने कर दिया, HP से हमने यह दूरी पे कर दिया, HP से यह दूरी पे हमने कर दिया, यहां आ गया। अब यह दूरी पे हो गया HP से, अब यहां से जो हम देख रहे हैं फ्रंट से देख रहे हैं तो हमें VP में पॉइंट दिख रहा है, VP में हमें पॉइंट दिख रहा है, VP में हमें पॉइंट दिख रहा है और HP में देखेंगे तो हमारी पूरी लाइन बन जा रही है। ठीक, यह कंडीशन बन रहा है, इसे को हम ड्रा कर देते हैं। ये यहां पे पॉइंट हो गया, ये यहां से वहां की लाइन आ जा रही है एचपी में और ये हमारा हो गया VP और ये हमारा हो गया HP, ये हो जाएगा A dash, B dash और ये हो गया A, ये हो गया A और ये हो गया B, नाम दे देते हैं A और B और यहाँ से हम निकाल के लिए डिस्टेंस जो निकाल रहे हैं ये डिस्टेंस निकाल दिया, एच दूरी के यहां से यहां तक ये हमारा एच दूरी पे हो गया है, एच दूरी पे हो गया है और यहां से वी दूरी पे हो गया है। जब रेखा एचपी से एच दूरी का वीपी के समांतर, वीपी के लंबवत, ठीक, ये कंडीशन हुआ, ये हमारा हो गया रिलेशन A dash, B dash जो होगा हमारा इलिवेशन, इलिवेशन हो गया और A और B हमारा हो गया प्लान, प्लान, ठीक। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट अगले तब में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।